नमस्कार। देश के तमाम एडीज ग्रुप के पाठकों में संपादक डॉक्टर मदन मोहन मिश्र आज आपको औरंगाबाद जनपद में संज्ञा समिति की चुनावी परिणाम को विस्तृत रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसी खबर को नियमित देखने हेतु हमारे चैनल एडीएच न्यूज 11 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आइए देखते हैं पूरी खबर। जय हिंद। दानवीघा में जो कार्यक्रम रखा गया है संज्ञा समिति द्वारा, उसके बारे में बताएंगे विस्तार। संज्ञा समिति गया धाम, गया जो केंद्रीय समिति है, उसका दायित्व बनता है कि प्रत्येक जिला में जो प्राचीन समिति बनी हुई थी, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उसको समाप्त कर नई समिति गठित की जाए। इसी लक्ष्य को रखकर दानवीघा में बैठक बुलाई गई। औरंगाबाद की जो प्राचीन कार्यकारिणी समिति थी जिला स्तरीय, उसको समाप्त कर दो भाग में संज्ञा समिति बढ़ गई है केंद्रीय कार्य। कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण जो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं और उनको भी पुनः बहुत शीघ्र इस मंच पर ही शामिल कर लिया जाए। केंद्रीय बताएंगे संज्ञा समिति गया धाम गया की जिला इकाई औरंगाबाद की नई कार्यकारिणी समिति के गठन के उद्देश्य से आज यहां विशेष आम सभा का आयोजन आपके समक्ष अभी किया गया। इसमें नई कार्यकारिणी, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन हुआ आपके समक्ष, आपने देखा अभी। और ये जो नवचयनित जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं औरंगाबाद जिला के, ये सब बहुत विश्वास है मुझे कि ये लोग जो हैं वो संज्ञा समिति औरंगाबाद उस जन जन तक पहुंचाएंगे, पंचायत स्तर तक पहुंचाएंगे और हमारा केंद्र का हाथ को मजबूत करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में हम लोग जो है वो अरवल में, जहानाबाद में और प्रदेश के दूसरे जिलों में, जैसे आपका मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, इस तरह से प्रत्येक जिलों में हम लोग संज्ञा समिति के जिला सभाओं का गठन करेंगे। और इस तरह से अन्य राज्यों में भी, विशेषकर झारखंड हमारा जो नज़दीक में है, वहाँ भी संज्ञा समिति का विस्तार किया जाएगा। जो अन्य जो ब्राह्मण परिवार हैं या जो समाज के अन्य जातियाँ हैं, उसे पिछड़े हुए से या अलग थलग से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से महसूस होता है उनको, उसको आने वाले दिनों में इस समिति प्रयास करेगी कि उनको भी जो है कि अन्य समाज की तरह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जाए और वो भी आगे आए और अपनी पहचान बनाए। अपना परिचय देंगे। ब्रजनंदन पाठक, केंद्रीय सचिव संज्ञा समिति के आधान के जो औरंगाबाद रखा गया है जी, दानवीघा में कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज दिनांक 31/7/2022 तो आज सुबह 9 बजे से बेरेस पब्लिक स्कूल औरंगाबाद के प्रांगण में आज संज्ञा समिति की एक विशेष आहूत बैठक किया गया। इसे सभी अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, उन सदस्यगण को चुनाव किया गया और सभी अपने अपने विद्वजनों ने अपना अपना मंतव्य दिए इसके बारे में और इसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। मैं श्री गोवर्धन पाठक प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर से शिक्षक पद पर मैं सेवानिवृत्त 2017 में हो गया। मैं अभी वर्तमान में औरंगाबाद रामराज नगर मोहल्ला क्षेत्र वास में स्थापित हूँ। बारे बताएंगे संज्ञा समिति के बारे में जो चुनाव हुआ है।
आज संज्ञा समिति का विधिवत चुनाव हुआ है। पहले की संज्ञा समिति निष्क्रिय रूप से थी और वो स्वयंभू के तरह कार्य कर रही थी। वो मुख्य जो वहाँ गया धाम गया के जो लोग नेतृत्व में जो संज्ञा समिति बनी थी उसे अलग हट करके अपने सारे कार्य कर रही थी। और चूंकि ये एक अच्छी पहल नहीं है, पहल होना चाहिए कि जो केंद्र के साथ मिल करके और उत्तरोत्तर गुरुत्तर कार्य करते रहे। और हम उम्मीद करते हैं ये संज्ञा समिति, ये संगठन मिलजुल कर बढ़िया काम करेगी और पहले से अब तक जितना रिकॉर्ड था सबको ध्वस्त करेगी। अपना परिचय। मेरा नाम बलिराम मिश्र, न्यू एरिया ज्ञानपुरी, औरंगाबाद, बिहार।